Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, please take a moment and subscribe to my channel below. Today we are going to make apple jam. So very quickly, let's begin the video. इस apple jam recipe के लिए जिन ingredients की हमको ज़रूरत है, वो है half kg apples. आप देख रहे हैं क्योंकि एप्पल्स जो हैं वो मीडियम साइज के हैं, इसलिए हमारे पास हाफ के जी में 5 एप्पल्स हैं, 1 लेमन एंड हाफ के जी शुगर. और आप ये देख रहे हैं कि कितने लिमिटेड इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी तैयार होने वाली है. और ये जैम जो है वो 20-25 डेज हम इसको फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं. तो आइए हम जल्दी से देखें कि ये जैम कैसे बनेगा. सबसे पहले हमने एप्पल्स को पील करके उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं. उसके बाद गैस पे एक पैन चढ़ाकर हम इन टुकड़ों को उस पैन में डाल देंगे और एक कटोरी पानी भी डाल देंगे. पानी डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और 4-5 मिनट्स इसको पकाएंगे ताकि ये गल जाए. अभी इसमें कुछ भी और नहीं पड़ेगा. 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे. देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल गया है. अब जो हमारा स्टेप है, ये देखिए कितना अच्छा सा ये पेस्ट की तरह हो गया है. अब हम इसमें शुगर डालेंगे. अच्छे से मिक्स कर लेंगे. वैसे शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं. कुछ लोग थोड़ा तेज मीठा खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं, लेकिन बराबर ही जितना सेब होता है उसी के बराबर ही हमेशा शुगर रखी जाती है. अभी तक फ्लेम जो थी वो स्लो पे थी. अब हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, मीडियम से थोड़ी ज़्यादा करेंगे और चलाते भी जाएंगे साथ में. और जब तक करेंगे तब तक इसमें थोड़ी थिकनेस ना आ जाए. अब देखिए मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया है. अब इस पॉइंट पे हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे, जो हमने रखा हुआ था पहले से. नींबू निचोड़ने का एक ये फायदा है कि प्रिजर्वेटिव तो वो एक अच्छा है ही, साथ में एक खट्टा सा स्वाद देगा जो खट्टा जैम में होना चाहिए. स्वीट एंड सावर में तो वो बड़ा मज़ेदार बने रहेगा. एक चीज़ और है, अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहें तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है. अगर आप करना चाहें तो करें, ताकि रंग भी अच्छा सा इसका एक लुक आ जाता है. बहुत थोड़ा सा रंग, समझ लीजिए एक चुटकी रंग, एक अच्छा सा कलर आ गया है. आप देख रहे हैं कि कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है. इसको तैयार करिए, इसको ठंडा करिए और फिर इसको फ्रिज में रखिए. जब मर्जी हो ब्रेड के साथ, बंस के साथ, रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं. ये जैम तैयार हो गया. इसको चेक करने के लिए सबसे इजी मेथड है कि आप एक प्लेट लें और उसमें जैम को देखिए, ये बह नहीं रहा है. इट मींस कि ये बिल्कुल तैयार है. जैसे कि आपने देखा कि हमारा जैम बिल्कुल तैयार है. अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे.